वेल गाइस, तो फाइनली AEW डेब्यू के ऑल इन पेपर व्यू का गो होम एडिशन डायनामाइट शो ओवर हो चुका है। और गाइस, आज यहां पर AEW डेब्यू के गो होम एडिशन डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर AEW डेब्यू में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिला, जहां पर AEW डेब्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें जेरिको और ऑस्प्रे के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलता है। और गाइस, यहां पर इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के अंदर आज यहां पर विल ऑस्प्रे काफ़ी सॉलिड प्रोमो कट करते गए, जहां पर विल ऑस्प्रे उनके प्रोमो में ये कहते गए कि क्रिस जेरिको के लिए वेम्बले स्टेडियम में मैच लड़ना एक और नॉर्मल मैच है। बट गाइज, ऑस्प्रे के लिए ये मैच उनके करियर में काफी मायने रखता है, क्योंकि गाइज अब से मात्र 6 महीनों के अंदर विल ऑस्प्रे का NJPW कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। और गाइज, उसके बाद दुनिया की हर बड़ी कंपनी $1 मिलियन देके विल ऑस्प्रे को अपनी कंपनी में साइन करने की कोशिश करेगी। बट गाइज, यहां पर अगर ऑस्प्रे वेम्बले स्टेडियम के अंदर क्रिस जेरिको को बीट कर देते गए, तो गाइज यहां पर वेम्बले स्टेडियम के अंदर विल ऑस्प्रे उनके करियर का एक नया इतिहास बनाएंगे। और गाइज, विल ऑस्प्रे इसीलिए वेम्बले स्टेडियम के अंदर किसी भी कीमत पर जेरिको से नहीं हारेंगे। वेल गाइस, यहीं ऑस्प्रे के इस प्रोमो के बाद जेरिको उनका प्रोमो कट करते गए, जहां पर जेरिको ये कहते गए कि वैसे तो जेरिको ने रेसलमेनिया और टोक्यो डोम के अंदर कंपीट किया है, बट गाइस वेम्बले स्टेडियम में जेरिको का रेसल करना किसी भी रेसलमेनिया और रेसल किंगडम के मुकाबले बहुत ही बड़ा है। और गाइस, जब यहां पर रेसलमेनिया और रेसल किंगडम के अलावा क्रिस जेरिको वेम्बले स्टेडियम में ऑस्प्रे को बीट करेंगे, तो गाइस ये जेरिको के करियर को दोबारा से रीइन्वेंट करेगा। और गाइस, क्योंकि रीइन्वेंट करने के लिए जेरिको जाने जाते गए, तो गाइज इसीलिए जेरिको ये प्रॉमिस करते गए कि ऑल इन के ऊपर जेरिको ऑस्प्रे को बीट करने वाले गए। वेल गाइज, यहां पर जेरिको और ऑस्प्रे के इस हीटेड कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के अंदर आज यहां पर ये दोनों रेसलर एक दूसरे पर अटैक कर देते गए, जहां पर इन दोनों के एक दूसरे पर अटैक करने के बाद हमें सिक्योरिटी के द्वारा इन दोनों को छुड़ाते हुए दिखाई दिया जाता है।